हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि जब आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या क्या खतरा है, और साथ ही साथ मैं 10 टिप्स दूंगी, 10 तरीके, 10 तरीके ऐसे बताऊंगी जिसकी वजह से आप अपनी ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकेंगे और साथ ही साथ लिपिड प्रोफाइल को आप कंट्रोल कर सकेंगे। और ये कौन से 10 तरीके हैं, बगैर दवा खाए आप इससे आपको काफ़ी इससे असर होगा। तो सबसे पहले तो ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, ये एक मतलब लिपिड, हमारी फैट जब बढ़ जाता है हमारे ब्लड में तो उसमें उसकी वजह से हार्ट अटैक आता है। अचानक जो हार्ट अटैक लोगों को आता है तो वो ब्लड में हमारे खून के अंदर ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से आता है। इसके अलावा ब्रेन स्ट्रोक यानी लकवा हो जाता है, हाथ पैर में फालिस हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से और ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से होता है। तो इसकी वजह से कई ऑर्गन भी दूसरे फेल हो सकते हैं। तो और अगर ये बहुत ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाए तो अक्यूट पेनक्रेटाइटिस भी हो सकता है, यानी हमारा जो पेनक्रियाज है जो इंसुलिन बनाता है हमारी बॉडी में, वहाँ पर भी इन्फ्लेमेशन होकर उसको भी नुकसान पहुँचता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में हार्ट अटैक आ रहे हैं और इसके साथ साथ अचानक लोगों की मौत हो रही है। तो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स बढ़ जाते हैं तो इसको किस तरह से कम करना चाहिए, मैं उसको सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपको शुगर बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो शक्कर शुगर जो हम खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड में चेंज हो जाती है। तो ट्राइग्लिसराइड यानी हम जो भी शक्कर खाते हैं वो फैट में चेंज हो जाती है और हमारी बॉडी में फैट को बढ़ाती है, ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाती है और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाती है। तो आपको शुगर बंद कर देना है, साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स जिस वाली खाने खाना बिल्कुल कम कर देना है, जैसे कि चावल, मैदे से बनी हुई चीज़ें, कचौरी, समोसे और इसके अलावा आलू, ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये भी बॉडी में जाकर फैट में चेंज हो जाते हैं और ये ट्राइग्लिसराइड्स लेवल को हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में बढ़ाते हैं और हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं, स्ट्रोक और फॉलिस के खतरे को बढ़ाते हैं। उसके अलावा जो है हमको हमारी जो खाना है, डाइट है, उसमें प्रोटीन्स को बढ़ाना है और कार्बोहाइड्रेट को कम करना है। तो प्रोटीन्स क्या में होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं ये दालों में होते हैं, ये चिकन में होते हैं कि जो कि लीन प्रोटीन होता है जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, फिश यानी मछली में होता है। इसके अलावा हमको जो लेना चाहिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, तो ये जो होते हैं जैसे कि इसमें पाए जाते हैं फिश के ऑयल में, यानी मार्केट में ये मेडिकल हॉल पे मिलता है, वो लेने से भी ट्राइग्लिसराइड कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा ये होते हैं अखरोट में और ये होते हैं ऑलिव ऑयल में और ये होते हैं बादाम में। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं, ये ट्राइग्लिसराइड लेवल को बॉडी में कम करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्मोकिंग की आदत है तो ये पता चला है रिसर्च से कि सिगरेट ज़्यादा पीने से भी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, लंग्स ख़राब तो होते ही है, लंग्स कैंसर का खतरा बढ़ता है, स्ट्रोक का खतरा बढ़ता है, अल्सर का भी, पेट में अल्सर भी हो सकता है ज़्यादा स्मोकिंग करने से। तो स्मोकिंग करना आपको बंद करना है। ड्रिंकिंग यानी शराब पीने वाले जो लोग हैं तो वो शराब जो है डायरेक्ट जाकर ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ाती है बॉडी में। तो शराबी जो लोग होते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनकी खून की नालियाँ जो दिल की ब्लड सप्लाई करती हैं, जो दिल का हमारा दिल जो काम करते रहता है 24 घंटे, उसको अपने काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी उसको मिलती है खून की नालियों से, जो खून मिलता है उसको दिल को, तो दिल अपना काम जो कि खून पंप करना है ठीक से कर सकता है। तो दिल के जो मसल्स होते हैं, दिल की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें ब्लड वेसल्स होते हैं, खून की लानियां होती हैं जिनको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, और इस कोरोनरी आर्टरी में अगर ट्राइग्लिसराइड जाकर जम जाए तो वहाँ क्लॉटिंग हो जाती है और हार्ट अटैक आ जाता है। तो शराब पीने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि शराब जो है बॉडी में जाके फैट में चेंज हो जाती है, ट्राइग्लिसराइड्स में चेंज हो जाती है और यही जाके दिल की खून की नालियों में जम जाते हैं और हार्ट अटैक का खतरा बहुत बढ़ जाता है। स्मोकिंग नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, शक्कर बिल्कुल छोड़ देना है। इसके अलावा अगर आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है यानी जो बहुत दिन से आपको, अगर किडनी की बीमारी है या थायराइड की बीमारी है या डायबिटीज़ है या आपका किडनी की बीमारी को रीनल डिजीज़ कहते हैं,
तो अगर आपको रीनल डिजीज़ है यानी किडनी ख़राब हो रही है आपकी, या आपके लीवर फंक्शन टेस्ट सही नहीं है, या लीवर आपका ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। तो आपको अपना शुगर कंट्रोल में रखना चाहिए, अपना किडनी और अपनी लीवर की हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और थायराइड अगर आपका सही नहीं है तो उसका सही से इलाज करिए, क्योंकि जिन लोगों को थायराइड की बीमारी होती है उनमें भी ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ शुगर की बीमारी में भी ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं। तो इन सारी अगर आपको हैं तो आपको तवज्जो देना है अपने आप पर। और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज से बहुत हेल्प मिलती है, तो एक्सरसाइज जो होती है वो अगर आप करते रहें तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल नॉर्मल हो जाता है। तो 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज एक हफ्ते में 5 बार करना चाहिए, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की डेली आप इसकी आदत डालिए। शुरू में आप 5 मिनट एक्सरसाइज करिए पहले दिन, फिर बाद में उसको बढ़ाते बढ़ाते 2 मिनट और 2 मिनट बढ़ा के 7 मिनट, फिर 8 मिनट, रोज़ 10-12 मिनट से होते होते 30 मिनट तक लेके जाइए। रोज़ थोड़ी थोड़ा उसमें उसका वक्त बढ़ाते जाइए ताकि आपकी बॉडी को उसकी आदत हो जाए और आप आसानी से 30 से 45 मिनट तक एक्सरसाइज कर सकें, क्योंकि एक्सरसाइज करने से ट्राइग्लिसराइड लेवल कम होता है, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर कम होता है, इसके साथ साथ डायबिटीज़ भी कम होती है, शुगर लेवल जो हमारा शक्कर का लेवल ब्लड में होता है वो भी कंट्रोल में आता है। तो रिसर्च से ये पता चला है कि एक्सरसाइज भी हेल्पफुल होती है ट्राइग्लिसराइड लेवल को काबू में करने में, कंट्रोल में करने के लिए। इसके अलावा आपको अपने खाने में सलाद बढ़ाना है, तो जो सलाद होता है जैसे कि खीरा है और प्याज है, नींबू है, ये सारी चीज़ों से बनी हुई और हरी, सबसे ज़्यादा हरी पत्ती वाली सब्जियां जो होती हैं वो आपको अपने खाने में बढ़ाना है। तो ये भी हेल्प करती हैं, जो फाइबर्स होते हैं वेजिटेबल्स में, तरकारियों में, तो वो हेल्प, पालक में, तो ये हेल्प करते हैं ट्राइग्लिसराइड लेवल को हमारी बॉडी में कम करने के लिए। तो ये आपको अपना खाने पीने पे भी ध्यान देना है। और इसके अलावा आपको शक्कर वाली चीज़ें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती है, पेप्सी, कोका कोला, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा शक्कर होती है, शुगर होती है, जो जाकर बॉडी में फैट में, ट्राइग्लिसराइड में भी चेंज हो जाती है और कोलेस्ट्रॉल में भी चेंज हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। और पैक्ड फूड जैसे कि आते हैं, चिप्स आते हैं, तली हुई चीज़ें जिन आती हैं, जो कचौरी, समोसे, ऐसी चीज़ें भी जाके बहुत ज़्यादा फैट को हमारे बॉडी में बढ़ा देती हैं। इसके अलावा जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो है कि आपको अपनी डाइट से बिल्कुल भी घी और बटर को कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि घी और बटर भी जाके आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाते हैं। और उसके साथ साथ आपको जो हेल्थी ऑयल हैं, जैसे कि आप ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैनोला ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा जो अखरोट का ऑयल आता है, तो आप वॉलनट ऑयल जैसे कहते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है ट्राइग्लिसराइड लेवल को कम करने के लिए आपकी हेल्प करता है। तो इसके साथ साथ आपको तली हुई चीज़ें और जो पिज़्ज़ा बर्गर टाइप वाली चीज़ें, मैदे से बनी हुई चीज़ों को भी इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जाकर बॉडी में फैट को बढ़ाती हैं, ट्राइग्लिसराइड लेवल को बढ़ाती हैं। और डालडा, ये ऐसी चीज़ें तो बिल्कुल ही नहीं खाना है, तो मैग्रेन, डालडा वगैरह, और बेकरी आइटम जो मिलते हैं जैसे कि तोस वगैरह लोग खाते हैं, खारी जिसे नाश्ते में इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, तो ये सारी चीज़ें भी जाकर शुगर को भी बढ़ाती हैं और साथ ही साथ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी बढ़ा देती हैं। तो ये देखा गया है कि जो लोग डेली डालडा से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, बेकरी आइटम ज़्यादा खाते हैं, पैक्ड बिस्किट्स वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं वो मैदे से बने होते हैं, तो बिस्किट का इस्तेमाल, कुकीज़ का इस्तेमाल, केक्स, पेस्ट्रीज, ये सारी चीज़ें में बहुत ज़्यादा जो है नुकसानदेह, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और ट्राइग्लिसराइड लेवल होता है, तो इसको अवॉइड करिए ताकि आपकी और आप अपना वज़न बिल्कुल भी कंट्रोल करके रखें। तो जब आप वेट कम करते हैं तो वेट कम करने से भी आपका, अगर आप अपनी बॉडी का 5 से 10% वेट भी कम करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जो अगर आपका वेट 100 kg है और आप 10 kg भी कम करते हैं,
तो आपको आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल भी कम होगा, साथ ही साथ ब्लड प्रेशर कम होगा और शुगर भी कंट्रोल में आ जाएगी, शुगर भी कम हो जाएगी ब्लड से। तो आपको वेट रिडक्शन यानी अपना वेट कम से कम करते रहना है, और अगर आप मोटे हैं तो जल्द से जल्द अपना वेट को काबू में लाइए, कम करिए ताकि आपका लिपिड प्रोफाइल सही रहे तो, और आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल कम हो जाए। मोटे लोगों में अचानक हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और अचानक मौत यानी मॉर्टिलिटी और डेथ का खतरा भी बहुत होता है। तो वेट और नई रिसर्च से ये भी पता चला है कि जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है उनको कई किस्म के कैंसर होने का भी खतरा होता है। तो अब ये कहा जा सकता है कि ज़्यादातर जो आजकल जो बीमारियां फैल गई है उसकी एक मेन वजह जो है वेट का ज़्यादा होना है। तो अगर आप अपना वेट कंट्रोल कर लेंगे तो खुद ब खुद बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मोटे लोगों को ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है, लिपिड प्रोफाइल बढ़ जाता है, फैट उनकी ब्लड में बढ़ जाता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, फैटी लीवर का खतरा उनको बढ़ जाता है और साथ ही साथ बहुत सारे कैंसर्स का खतरा भी बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने बॉडी में फैट को जमा मत होने दें। अपना अगर आपका लाइफ स्टाइल ऐसा है कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज किया करिए, और अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखिए, नमक कम खाएं और 8 से 9 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकली भी आपको अपने आप को फिट रखना है, खुश रहें, कॉमेडी वीडियोस देखें, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का ये कहना है, दिल के बीमारियों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि अगर आप खुश रहेंगे तो आपको दिल की बीमारियां नहीं होंगी, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि स्ट्रेस से, टेंशन से और दुखी रहने से भी ब्लड प्रेशर होता है और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, और दिल की बीमारियां खासतौर पर कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो जाती हैं। तो स्ट्रेस में ना रहें, खुश रहा करें और बी पॉजिटिव। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।